सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने रिया चक्रवर्ती पर केस दर्ज करवाया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? उनके पिताजी ने कुछ उनके पास प्रूफ रहा होगा जिसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने केस दर्ज करवाया होगा, बिकॉज एकदम से कोई इंसान नहीं बोलता है, और किसी लड़की के लिए आई थिंक सो कोई नहीं ऐसे बोलता है। अब जैसे खबरों से पता चला है कि उनका एक काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था, एक लिव इन रिलेशनशिप था, तो हो सकता है कि इस तरह की कुछ बातें हुई हों जिनसे रिया चक्रवर्ती ने उनको भरमाया हो उनके काम को लेकर, उनके पैसे के लिए क्या पता उनके साथ रही हो, या जो जो भी हुआ होगा। तो पुलिस को इस चीज़ पर ज़रूर इन्वेस्टिगेशन को आगे करना चाहिए कि क्या कुछ रियलिटी हुई होगी जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं जो इस मामले में कुछ नहीं कह रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो कि इस मामले में बिल्कुल चुप हैं, बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरा ये कहना है कि देखिए, ये पूरा एक अपना एक वेब चलता है, अपना एक सिस्टम चलता है किसी भी फील्ड के अंदर। अब कोई आउटसाइडर इस चीज़ को नहीं बता सकता है कि अंदर क्या चल रहा है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो लोग भी इस चीज़ को फॉलो करते हों कि हाँ ये सब हो रहा है। हो सकता है कि उन लोग को सच में कुछ ना पता हो, बट ये भी हो सकता है कि उन लोग को सब कुछ पता हो लेकिन वो लोग रिवील नहीं करना चाह रहे हैं इस चीज़ को। तो इस बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हर कोई अपना अपना दिमाग लगाता है कि हाँ मे बी हो सकता है, मे बी हो सकता है, लेकिन इसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर पुलिस और CBI अगर इसमें पड़े और कुछ करे तो ही कुछ सोल्यूशन निकल पाएगा कि आखिर रीज़न क्या था। क्योंकि उनको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, सुशांत सिंह राजपूत तो वापस नहीं आ सकते हैं, बट जो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है इस चीज़ को जानने की कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, वो चीज़ ज़रूर लोगों के सामने आ सकती है। बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मुकेश भट्ट पे नेपोटिज्म और सुशांत के मर्डर को केस का आरोप लगाना गलत है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया तो एक नई चीज़ जो नेपोटिज्म थी जो कि सालों से चलती आ रही है या होती आ रही है, वो एकदम से लोगों के बीच में आया। ये नया एक टर्म कि लोगों ने इस पर फोटोज़ और वीडियोज़ और अपनी अपनी चीज़ें डालना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही जो बड़े बड़े चेहरे हैं, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, लेकिन जब तक एग्जैक्ट हमको पता नहीं चलेगा हम अपने मन से किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि हो सकता है कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत को मारा, ऐसे ही जो लोग जिन लोगों ने ये प्लान किया वो लोग ये भी प्लान कर सकते हैं कि किसी एक इंसान को हम टारगेट करें और उसको हम बदनाम करें या जैसे भी उसको फंसाएं। तो हो सकता है कि अंदर जो भी इनके सिस्टम में चल रहा हो या जो भी इनका फैला हो, अपने प्लान हो, वो कैसे रिवील किए जाएँ, ये लोग सब कुछ मिलकर किसी को भी उठा सकते हैं और किसी को भी दबा सकते हैं। जो रियलिटी में जो सिस्टम चल रहा है ये वही चल रहा है। तो मेरा मानना है कि लोगों को ऐसा अपील करना चाहिए गवर्नमेंट से, पुलिस से, कि कोई CBI जांच हो, कोई एक सोल्यूशन इस चीज़ का निकले कि ताकि आने वाली जनरेशन अगर इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहती है या कुछ करना चाहती है तो वो इस चीज़ से ना डरे कि इसके आगे कोई फ्यूचर नहीं। सबसे बड़ा सवाल पुलिस पे खड़ा होता है कि अब तक 35 लोगों को वो CBI इंक्वायरी कर चुके हैं पर कोई चीज़ खुल के सामने नहीं आ पा रही है, इस बारे में क्या कहेंगी? इस बारे में मेरा ये कहना है वैसे कि पुलिस को तो ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो वो अभी रिवील ना करना चाहते हों, जबकि पूरा जो केस है वो सुलझ जाए, उसके बाद वो सारे छोटे छोटे सबूत इकट्ठा करके वो करे। क्योंकि क्या होता है कि कई बार लोगों को पहले पता चलने से भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, लोग उस चीज़ को इतना बढ़ा देते हैं, 10 लोग उसके ऊपर बयान दे देते हैं, 10 लोग कमेंट्स कर देते हैं, तो वो चीज़ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के ऊपर डाल देती। तो हो सकता है अगर पुलिस इस चीज़ को अच्छे से करना चाहती हो तो कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जो सबके सामने नहीं ला सकते। तो आई थॉट कि ऐसा कुछ हो रहा हो, जैसे अभी हमने देखा कि इतने लोगों के बयान चले हैं, रिया का खुद 18-18 घंटे तक का उन लोगों ने बैठ के बयान लिया है, तो मुझे लगता है कि कुछ तो इन्फॉर्मेशन उनके पास भी होगी जो वो अच्छे से इस चीज़ को आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिवील नहीं करना चाहते हैं ताकि लोग इसका कुछ भी बड़ा एक नया इशू ना क्रिएट कर लें। आपको क्या लगता है करण जौहर और महेश भट्ट इनके जो मूवीज आएंगे फ्यूचर में उनको पब्लिक का कैसा सपोर्ट मिलेगा? लेकिन मुझे पर्सनली मुझे ये लगता है कि लोग किसी भी चीज़ को बहुत टाइम तक कंसिडर नहीं करते हैं, कुछ सालों बाद लोग भूल भी जाएंगे और कोई नई मूवीज आएंगी उनको देखने भी चले जाएंगे कल की डेट पे। बट एक मुद्दा जो बच जाता है वो यही रह जाता है कि ये सब चीज़ें कब ख़त्म हो कब शुरू हो ये कुछ मायने ही नहीं रखती है। मुझे लगता है कि लोग अभी जो इतना दिखा रहे हैं कि नहीं हम उनको पसंद नहीं करेंगे, उनकी मूवीज़ पसंद नहीं करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक लोग इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक समय के बाद वापस लोग इन्हें देखना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका जो सोल्यूशन है सुशांत सिंह राजपूत का वो यही है कि बस इनकी मौत का जो एक
रीज़न है, जो कारण है, जो लोग हैं, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक पूरी बात सामने नहीं आएगी, तो ये छोटे मोटे जो चीज़ें चल रही हैं ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती हैं। और जो लोग अभी बैन किए गए हैं वो चलते ही रहेंगे।